नमस्कार प्रिय दर्शक, आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन पूर्णतः निशुल्क रहेगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए अनमोल है। इससे हमें नए और विभिन्न जानकारियों से परिपूर्ण विषयों पर वीडियोस बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। हमें सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे लाल बटन जिस पर सब्सक्राइब लिखा है क्लिक करें, या फिर आप इस वीडियो में नीचे राइट कॉर्नर में दी गई सब्सक्राइब की इमेज पर भी क्लिक कर सकते हैं। आप सब्सक्रिप्शन के जरिए फ्री गिफ्ट्स भी पा सकते हैं। अतः ये जानने के लिए हमारा ये वीडियो पूरा देखें, तो देर ना करें, अभी सब्सक्राइब की रेड बटन पर क्लिक करें, हमें सब्सक्राइब करें और जीते ढेरों इनाम। धन्यवाद। दोस्तों, संडे का मतलब एक्स्ट्रा वर्कलोड होता है। कभी कभी सारे कामों के बीच, सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखते रखते पूरा संडे यूं बीत जाता है। क्यों ना हफ्ते में एक संडे ऐसा हो जो घर में अपने हिसाब से समय बिताने की आज़ादी दे। थोड़े से प्रयास और सहयोग से ऐसा संभव हो सकता है। तो फिर आपके आने वाले संडे या फिर किसी भी छुट्टी के दिन को कैसे खुशनुमा बनाया जाए, कैसे उसे अपने लिए बिताया जाए, अगर आप ये जानना चाहें और हमारे कुछ थोड़े से टिप्स को यूज़ करना चाहें तो बिल्कुल देखिए हमारा ये पूरा वीडियो। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें दोस्तों। दोस्तों, चाहे कामकाजी महिलाएं हों, गृहिणी हों या फिर आम लोग, कभी कभी संडे का मतलब एक्स्ट्रा वर्कलोड होता है। सारे कामों के बीच सबकी ज़रूरत का ध्यान रखते रखते पूरा संडे यूं ही बीत जाता है। क्यों ना हफ्ते में एक ऐसा संडे हो जो घर के लोगों को अपने हिसाब से समय बिताने की आज़ादी दे सके। थोड़े से प्रयास और सहयोग से ऐसा संभव हो सकता है। इसके लिए लंबी प्लानिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटी सी शुरुआत ही काफ़ी है। अपने हिसाब से किसी भी सुविधा के दिन या छुट्टी के दिन या संडे के दिन को आप किसी लंबी चौड़े इसके लिए किसी लंबी चौड़ी योजना की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए तो बस किसी भी सामान्य विचार से शुरुआत की जा सकती है। जैसे किसी अपने दोस्त सहेली से मुलाकात, कोई पसंदीदा फिल्म देखना या अपने पसंदीदा व्यंजन का लुत्फ उठाना। हाँ, इसमें परिवार के अन्य लोगों का भी सहयोग अपेक्षित रहेगा। यदि घर की महिलाएं या पुरुष बिना कहे हर संडे आपकी फरमाइशें पूरी करते हैं तो एक संडे अपने हिसाब से एंजॉय करने में आप भी तो उसका साथ दे सकते हैं। एक दिन पहले से सोचें, जिस भी संडे या छुट्टी को आप अपने हिसाब से एंजॉय करना चाहते हैं उसके एक दिन पहले से सोचें भी और परिवार के सदस्य को भी अवगत करा दें। इससे आप निश्चिंत होकर छुट्टी का मजा ले सकेंगे। शनिवार रात को ही खाने के समय सबको बताएं कि अगले दिन छुट्टी के दिन आप क्या करने जा रहे हैं और छुट्टी वाले दिन आप कुछ समय अकेले बिताना चाहेंगे। इन दिनों में आप बिना ज्यादा पैसा खर्च किए घर में ही बहुत कुछ कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अपने आसपास आप लोग को ऐसे भी लोग दिखाई दिए होंगे जिन्हें हरदम शिकायतें रहती हैं। जी हाँ, कई ऐसे लोग हमारे आसपास मौजूद होते हैं जो अपने जीवन से हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। अच्छी से अच्छी बातों में भी वे परेशानी का कोई ना कोई सबब ढूंढ ही लेते हैं, क्योंकि हमेशा शिकायत करना इनकी आदत में शुमार होता है। तो क्या होते हैं इन लोग, क्या इनकी विचारधाराएं रहती हैं, ये किस तरह से हर चीज़ में शिकायत खोजते हैं, और बड़े ही फनी किस्म के लोग होते हैं ये। तो आइए जानेंगे हम अपने इस वीडियो में कि ये लोग ऐसे क्यों होते हैं और इनको हमेशा शिकायतें रहती हैं किस तरह की। अगर आप भी जानना चाहें तो बिल्कुल देखें हमारा ये पूरा वीडियो। ये बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं कि छुट्टी का मतलब सिर्फ बाहर घूमने जाना ही हो। घर पर रहकर भी आप अपने दिन को एंजॉय कर सकते हैं। घर या बाहर छुट्टी बिताने के लिए कुछ सामान्य उपाय इस प्रकार है। जैसे इस दिन आप अपनी पसंद का कोई नाश्ता या कोई डिश बनाएं, खासतौर पर यदि आप कुकिंग को एंजॉय करते हैं। किसी पुरानी एल्बम, शादी या अन्य समारोह की सीडी या मूवी का लुत्फ लें, या फिर अपने किसी
मित्र को घर बुला लें, पहले उससे बात करके उसके घर या अन्य कहीं मिलने का प्लान बना लें। किसी ऐसी जगह को समय बिताएं जहाँ पूरी स्वतंत्रता के साथ आप बच्चों की तरह दौड़ भाग कर सकें या यूं ही बेवजह घूम सकें, जैसे घर या बाहर या कोई गार्डन जहाँ आप एंजॉय कर सकें। जल्दी उठने की आदत है तो सुबह आधा घंटा घर की छत या आसपास के बगीचे में प्रकृति के सानिध्य में बिताएं, और अगर जल्दी उठने का मन ना हो तो लेट उठें और सुबह जल्दी किए जाने वाले कामों में परिवार के सदस्यों की मदद लें। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में से किसी भी एक समय पूरी छुट्टी मनाएं। इसके लिए परिवार के सदस्यों से बात करें और कहीं बाहर जाएं। यदि ऐसा संभव ना हो तो कुछ हल्का फुल्का बनाते हुए परिवारजन से काम में हाथ बटाने को भी कहें। बच्चे यदि छोटे हैं तो भी आप परिवार के सदस्यों से उन्हें कुछ देर को संभालने के लिए अतिरिक्त सहयोग का निवेदन कर सकते हैं। ये समय चाहे तो अपनी मनपसंद मैगजीन पढ़ने के लिए दें या छोटी सी झपकी के लिए। घर से लेकर बाहर तक कैसे कई काम हैं जो आप हर दिन, हर हफ्ते, हर घड़ी सुई के साथ कदम मिला के दौड़ते हुए करते हैं। अपनी एक छुट्टी में इन कामों से ब्रेक लेने की कोशिश करें। एक रास्ता को तोड़ें और थोड़ा ही सही कुछ समय सिर्फ अपने लिए निकालें। आपका यह अपना समय आपको अकेले बिताना है या परिवार के साथ, ये पूरी तरह आपकी स्वतंत्रता होगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने संडे को या छुट्टी के किसी भी दिन को खुशनुमा खुशहाल बना सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहूंगा, नमस्कार। और दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे सबसे ज्यादा अपडेटेड सेगमेंट की, यानी कि फ्री गिफ्ट बोनांजा। जी हाँ दोस्तों, हमने इस वीडियो के शुरू में बताया कि किस तरह से आप हमें सब्सक्राइब करके गिफ्ट जीत सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो आप शामिल हो जाते हैं उन लकी लोगों में जिनके ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे सरप्राइज जीतने के। और हमारा सरप्राइज गिफ्ट जो होता है वो आप तक पहुँचेगा कैसे, हर महीने की 15 तारीख को जो हमारा ड्रॉ निकलेगा उसमें जितने भी लकी कस्टमर्स होंगे उन लोगों को हम बाय कोरियर हमारा गिफ्ट भेजेंगे, और उन्हें कोरियर चार्ज भी नहीं देना है, बिल्कुल फ्री गिफ्ट रहेगा। तो दोस्तों, इस बार का गिफ्ट क्या है आइए बात करते हैं। इस बार का गिफ्ट है ये सेल्फी स्टिक, वाइट सेल्फी स्टिक। और दोस्तों, ये वाइट सेल्फी स्टिक है, 270 डिग्री के रोटेशन होता है इसमें, और ये लगभग 3.5 फीट लंबी सेल्फी स्टिक है। जी हाँ, 3.5 फीट लंबी, और ये मिलेगी हमारे उन 100 लकी कस्टमर्स को जो हमें सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ दोस्तों, तो हमें सब्सक्राइब जल्द से जल्द करें, हो सकता है ये गिफ्ट आप भी जीतें। और हम यही चाहेंगे दोस्तों कि आप हमें जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बेहद अनमोल है। आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हमें नई नई जानकारियां आपके साथ शेयर करने का एक जरिया मिलेगा, और हम आपके लिए बेहतर और बेहतर वीडियोस बना सकेंगे। तो इस गिफ्ट को जीतने के लिए, और भी ज़्यादा गिफ्ट जीतने के लिए, जी हाँ, ये सिर्फ एक महीने का है, आप हर महीने 15th को जीत सकते हैं और आपका सब्सक्रिप्शन बेकार नहीं जाएगा। पुराने महीने वाले भी उस ड्रॉ में शामिल होंगे, और चाहे किसी भी मंथ में आप जब भी सब्सक्राइब करें आप हमारे लकी ड्रॉ के एक शामिल सदस्य होंगे। हो सकता है इस महीने ना सही, अगले या उसके अगले या उसके अगले आपको एक बेहतर गिफ्ट जीतने का मौका मिले। और हाँ, जब भी आप सब्सक्राइब करें कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल लिखना ना भूलें, ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें और आपके पास तक ये गिफ्ट, कोई भी गिफ्ट जो भी हमारा रहेगा, हम पहुंचा सकें। तो 100 लकी कस्टमर इस मंथ जीत सकते हैं ये, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, याद रखें। तो दोस्तों, अब वक्त है हमारे थॉट ऑफ द डे का। जी हाँ, ये सेगमेंट का इंतजार सभी को रहता है। तो आज का हमारा थॉट ऑफ द डे क्या है कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो दोस्तों, हार को अपनाइए, उसके प्रति मेहनत कीजिए और अपने मन में जीत का विश्वास रखिए। अगर आपके मन में जीत का विश्वास है, आपने हारे नहीं हैं, आप जीत की ओर अग्रसर हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का थॉट ऑफ द डे। इसी के साथ मैं ये कहूँगा कि आप हमारे ये वीडियोस हमेशा देखते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।